हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ फैक्ट भाई। और क्या आप मानोगे कि ये अंडे से निकले बच्चे पति पत्नी है? वेल, मैंने भी नहीं माना था, पर इनका चैनल देखकर मेरा ये भ्रम चूर चूर हो गया। बिल्कुल उस प्रॉमिस की तरह जो इन भाई साहब और इनकी पत्नी ने अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से ये बोलकर किया था। बेबी नहीं लेंगे, आप लोगों को बता दिए, अभी हम लोग 3 साल बाद बेबी लेंगे, पढ़ाई स्टडी कंप्लीट करेंगे, आप लोगों को जैसे कि बताएं, उसके बाद हम लोग बेबी के बारे में सोचे हैं। लेकिन ये बोलने के 6 महीने बाद 3 जुलाई 2021 को भाई साहब और उनकी पत्नी जी ने प्रेगनेंसी की गुड न्यूज अपने चैनल पर डाल दी। तो रोशनी जी अभी 4 मंथ्स की प्रेगनेंट है, आप लोगों को बता रहे हैं, तो जनवरी तक हम लोग मॉम डैड बन जाएंगे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मतलब 18 साल की उम्र में इन्होंने घर संसार की प्लानिंग कर डाली, पर क्या ये प्लानिंग कामयाब रही? वेल, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। हेलो, हाय एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल ट्रूली ट्विस्टेड। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं एकदम मस्त हूँ। वैसे मैं स्थिति आप सबके साथ आ गई हूँ एक और वीडियो लेकर। लेकिन वीडियो की ओर जाने से पहले, अगर आप सब मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर दे। सो आज की वीडियो की ओर बढ़ते हैं, तो ये वीडियो बहुत ही मजेदार, फनी और क्रिंज से भरा होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो है 10 बच्चे यूट्यूबर्स जो शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। यूट्यूबर्स हु मैरिड एट यंग एज। सो ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनको ये कंटेंट मिल चुका है शादी करके फिर व्लॉगिंग करने का, तो चलिए आज देखते हैं इन्हीं सब का वीडियोस। तो देर ना करते हुए फटाफट से इस वीडियो को देखते हैं, एंजॉय करते हैं। सो गाइस, लेट्स बिगिन द वीडियो। आज की वीडियो में उस एक कपल की कहानी भी आपको सुनाई जाएगी जिसने 16 सावन के बीतने तक का इंतजार किए बिना एक नहीं दो दो शादियां कर डाली हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। जानना चाहते हैं कौन है ये महान लोग? Then let's start today's video title, Child Marriage, YouTubers और उनकी कहानी। नंबर 1, सहरी सहवाग प्लस रिद्धि। रिद्धि को देखते ही सहवाग को प्यार हो गया। कौन रिद्धि, कौन सहवाग? अरे भाई, जो स्कूल कॉलेज जाने के बदले शादी मंडप में गुलझर्रे उड़ाने पहुंच गए। विश्वास ना हो तो ये देखो उनके शादी का वीडियो, जहां मैरिज की स्पेलिंग तक इनसे ठीक से लिखी नहीं जा रही है। और जाएगी भी कैसे, दोनों 10th फेल जो हैं, ये पास होते भी कैसे? अंडे से निकल के सीधा शादी ही की है, जहां फेरे तक पंडित को इन्हें पकड़ पकड़ के दिलवाने पड़े थे। पर जितने पापड़ शादी के मंडप में पंडित ने बेले, समझो उतने ही पापड़ इन दोनों ने शादी के मंडप तक पहुँचने के लिए बेले थे। बेसिकली कोरोना से पहले सहवाग ने रिद्धि को देखा और देखते ही उसके कानों में शहनाइयां और सर पर सेहरा बनने का ख्वाब शुरू हो गया। उधर रिद्धि भी सहवाग के प्यार में गिर गई, पर इन दोनों के प्यार का दुश्मन बना चाइना, कोरोना, क्योंकि लॉकडाउन में उनके मिलने जुलने से लेकर उनकी लंबी लंबी बातों पर भी लॉकडाउन लग गया। और यही वो वक्त था जब इन दोनों को ये रियलाइज हुआ कि ये एक दूसरे के बिना नहीं रह पाएंगे। तो बस ये पहुंच गए अपने माता पिता के पास उनसे शादी की परमिशन लेने। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि वो बिना ऐसी पॉइजन वाली धमकी के मान गए। अगर शादी नहीं होगा तो? और उन्होंने शादी करा भी डाली। अब बाकी लोगों का तो पता नहीं, पर फैक्ट भाई तो इस बाल विवाह के खिलाफ है, क्योंकि जब इनकी शादी हुई तो अकॉर्डिंग टू देम सहवाग 20 और रिद्धि 18 साल की थी। और आज ये दोनों करियर के नाम पर यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जहां इनके 91.5 के सब्सक्राइबर्स हैं। अब वो इनके खेत घर बेबी सिटिंग वाले ब्लॉग वीडियोस में क्या देखते हैं भगवान जाने, पर उन्हीं सब्सक्राइबर्स की बदौलत सहवाग के पास आईफोन 13 और घर का राशन आता है। इनके इंस्टा फैंस भी इन पर इसी तरह मेहरबान है। और अब इनकी लाइफ में एक और खुशी आने वाली है, क्योंकि रिद्धि प्रेग्नेंट है, जिसकी खबर 2 महीने पहले ही इन लोगों ने यूट्यूब पर डाली थी। और हम दोनों बहुत खुश है कि अभी रिद्धि मम्मी बनने वाली है और मैं पापा बनने वाला हूँ। मतलब दुनिया करियर बना के शादी निभाती है, ये शादी निभा के करियर बना रहे हैं। नंबर 2, भागम भाग। मैं झारखण्ड के देवघर जिले के पालोजोरी गाँव से रहने वाला हूँ। मैं राजू हूँ और रोशनी भी पालोजोरी गांव से ही रहने वाली है। अरे रुको रुको रुको, शुरू होता है तो बुड़बक रुकता ही नहीं। ये है राजू साधु। अब बचपन में तू लोग डॉक्टर डॉक्टर चोर पुलिस खेला होगा, लेकिन ई खेला घर घर। ई राजू को और इसके ही गांव में रहने वाली इसकी लुगाई रोशनी को साथ में खेलते खेलते सच्चे प्यार का बुखार हो गया। दोनों के घर तक बात पहुंची और दोनों का बुरा हाल हो गया, क्योंकि इन दोनों के परिवार ने बाली उम्र के चलते इन दोनों कच्चा नींबू को शादी करने की मंजूरी नहीं दी। उनका मानना था कि ये शादी के लिए बहुत छोटे हैं, पढ़ लिख लें, कुछ बन जाएं, फिर शादी होती रहेगी।
पर इन दोनों के दिमाग में अलग ही खिचड़ी पकने लगी। दोनों ने शादी न होने पे एक होने का दूसरा रास्ता चुना। ये दोनों बिना घर वालों को बताए घर से भागे और शादी कर ली। शादी के चक्कर में जब घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट करी तो दोनों एक रात जेल में भी रहे, लेकिन फिर राजू के घर वालों ने जैसे तैसे दोनों को जेल से छुड़वाया और तब से ये दोनों राजू के घर में बसे हुए हैं और रोशनी की फैमिली अब भी नाराज है। खैर, इनके शादी की बात की कहानी कुछ ऐसी है कि ये टिकटॉक पर रील्स बनाते थे जहां इन्हें फेम मिला, लेकिन जल्द ही टिकटॉक बैन होने के बाद इन्होंने दूसरा धंधा पानी करने के बजाय यूट्यूब पर ब्लॉग्स बनाना शुरू कर दिए और आज इनके चैनल पर 614K सब्सक्राइबर्स हैं। हालांकि YouTube का रुख बदलने के बाद भी इन्होंने अपना कंटेंट नहीं बदला, ये जो मन में आता है YouTube पर डाल देते हैं। ये देखो तो गाइस, रोशनी को डॉक्टर दिखाना और मेरे पास पैसे भी नहीं है। पैसा नहीं है तो दुनिया को बता के थोड़ी आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा जहर ये रहा, एक साल पहले इनकी उम्र ये थी जब ये दोनों कह रहे थे कि तीन साल तक नो बच्चा। अभी हम लोग बेबी नहीं लेंगे, आप लोगों को बता दिए, अभी हम लोग तीन साल बाद बेबी लेंगे। फिर 11 महीने पहले रोशनी प्रेग्नेंट हो गई वाली गुड न्यूज इन्होंने अपने चैनल पर डाल दी। और ये तो कुछ भी नहीं है भाई, क्योंकि पिछले 5 महीने से ये लोग सिर्फ अपने बच्चे के नाम पर बच्चे के ही वीडियोस बना बनाकर व्यूज बटोर रहे हैं। और ऐसा करते करते ये इतने आगे बढ़ चुके हैं कि 5 महीने के बच्चे से पूछ रहे हैं, छोटी बहन चाहिए क्या, एक सिस्टर चाहिए क्या तेरे को। इनको कोई तो रोक लो। नंबर 3, शूट कपल। क्यूट कपल ब्लॉग दुनिया में कितना क्रिंज है ये आपको इस चैनल के नाम से ही पता चल चुका होगा, है ना? नहीं, सही है, दूसरे के क्यूट बोलने का वेट क्यों जब आप खुद को #cutecouple बोलकर तबाही मचा सकते हो। कुछ भी। खैर, ये सितारे पिछले साल ही यूट्यूब पे पधारे हैं और अब तक इनके पास सब्सक्राइबर्स के नाम पर 115K की पब्लिक है। इनके नाम और इस लिस्ट के बाकी यूट्यूबर्स की तरह इनका कंटेंट भी क्रिंज से चलता है, जहां सुनील और गुड़िया खाने से लेकर शॉपिंग जाने, घर बदलने और ट्रेन में आने जाने जैसे हर चीज का ब्लॉग बना डालते हैं, वो भी 8-12 मिनट से ज्यादा तक के। पटना के रहने वाले इस कपल की कहानी पटना से ही शुरू हुई थी। ये बचपन में 10 किलोमीटर की दूरी पर रहते थे। दोनों को एक दूसरे के गाँव में आना जाना रहता था और बस ऐसे आते जाते इन मुलाकातों में सुनील को लव हो गया। पर हमारे बाकी के कपल की तरह इन्होंने प्यार को पढ़ाई के बीच नहीं आने दिया, क्योंकि इनके मुताबिक ये दोनों 2020 में 12th पास किए हैं। 12th दोनों कंप्लीट किए हैं जो कि स्टडी में, जिसमें सुनील सेकंड डिवीजन से पास थे और गुड़िया फर्स्ट डिवीजन से। और मैं भी 12th पास हूँ और हम दोनों साथ में ही एग्जाम दिए थे 2020 में, तो हम फर्स्ट डिवीजन पास किए हैं और ये सेकंड डिवीजन। अच्छा, अब इसके बावजूद अगर इन दोनों को बोर्ड की सही स्पेलिंग नहीं आती तो फैक्ट भाई यही कहेगा कि थोड़ा और ध्यान से पढ़ाई करनी चाहिए थी बच्चों। पर नहीं, प्यार के प्लेन की सवारी के आगे कुछ दिखता तब ना। सुनील तो प्यार होते ही गुड़िया के घर उसका हाथ मांगने के लिए पहुंच गया था और गुड़िया ने भी फौरन हाँ कर दी थी। लेकिन मियां बीबी के साथ साथ मम्मी डैडी का एग्री होना भी जरूरी है ना? जो इस शादी के खिलाफ थे वो इन दोनों पर 16-17 साल की उम्र में शादी का बोझ नहीं डालना चाहते थे। तो बस इन दोनों ने भी वही किया जो प्यार में अंधे लूले लंगड़े होने वाले करते हैं, भाग के शादी। इन दोनों ने 2017 में कोर्ट मैरिज कर ली। आज इन दोनों के दो बच्चे हैं, एक लड़की चीकू और एक बेटा विराट। अब गलती तो ये कर बैठे हैं, तो फैक्ट भाई इनके लिए दुआ के अलावा कर भी क्या सकता है। नंबर 4, 2+2=4। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी। एक था निब्बा, एक थी निब्बी दीवानी, वो थी टिकटॉक बनाती, ये भी टिकटॉक बनाता, इसके अलावा दोनों को था कुछ भी नहीं आता। वैसे गाना तो मुझे भी नहीं आता। और फिर हो गई इनकी लव स्टोरी शुरू। कई साल एक साथ टिकटॉक बनाने के बाद एक दिन अचानक से शिमल के पड़ोस में रहने वाली मनीषा अपने परिवार के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, जिसका दर्द शिमल बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसे ये एहसास हुआ कि मनीषा ही उसका सच्चा प्यार है, इसीलिए अपनी बहन, मंगलसूत्र और एक चुटकी सिंदूर को लेकर वो फौरन उसे प्रपोज करने के लिए नए घर पहुंच गया, जो अपने घर में उसी के इंतजार में बैठी थी। तभी तो उसके शादी के लिए पहुंचते ही मनीषा ने फौरन हाँ कर दी। जैसे हाँ बोला ना, तुरंत पॉकेट से हम सिंदूर लगा दिए और उसी टाइम में मंगलसूत्र पहना दिए और ऐसे संपन्न हो गया झटपट शादी का प्रोग्राम। हैप्पी एंडिंग्स? नहीं नहीं, अभी नहीं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। क्योंकि शादी के बाद साथ रहना, टिकटॉक बनाना, टिकटॉक के बैन होने के बाद यूट्यूब शॉर्ट्स बनाना और 100K सब्सक्राइबर को पार कर जाना, यहाँ तक तो कहानी अच्छी रही थी। पर इस हंसते खेलते बचपन के प्यार में तब दरार पड़ गई जब 15 की उम्र में 16 के शिमल से शादी करने वाली मनीषा घर छोड़कर भाग गई। जी हाँ, इनका बचपन का प्यार उम्र भर क्या, साल भर में ही टूट गया। अब मनीषा अपने दीदी के देवर रोहित के साथ रहती है और वीडियोस बनाती है। लोगों की माने तो इन दोनों ने शादी
शादी भी कर ली है। वहीं शिमल भी कम नहीं है, शिमल को भी रेखा मिल गई है जो ना सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड है पर उसके यूट्यूब वीडियोस में उसकी पार्टनर भी। मतलब जहां दुनिया एक शादी अफोर्ड नहीं कर पाती है वहां ये कल के अंडे से निकले बच्चे दो दो शादियां कर रहे हैं। यहां एक नहीं दो दो जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, कानून की धज्जियां उड़ रही हैं, जिसकी नजरों में बाल विवाह और दूसरी शादी दोनों ही गैर कानूनी है। और सबसे ज्यादा परेशानी में डालने वाली बात तो ये है कि कोई इसके बारे में कुछ नहीं कह रहा। YouTube पर लोग इन्हें सब्सक्राइब किए जा रहे हैं और ये उन सब्सक्राइबर्स और वीडियोस के व्यूज पर पैसे कमाए जा रहे हैं। इन पैसों के आगे इन्हें ये तक नहीं दिख रहा कि बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इनकी वजह से बच्चों में ये गलत मैसेज जा रहा है कि चाइल्ड मैरिज भाग के शादी करना अच्छी बात है, लोग ऐसा करके खुश रह रहे हैं, जबकि ये बिल्कुल भी सच नहीं है। पर इस झूठ ने बच्चों पर कितना असर किया है आप खुद ही देखो। कितना पसंद करते हो मुझे? ऐसी बात नहीं है, मतलब पसंद नहीं करते हो तुम तो सारे। बच्चे जिस तरह का कंटेंट YouTube और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं उसी तरह के वीडियोस बना रहे हैं। कल को ये भी उठ के शादी की जिद करने लगे तो साहिबा मुझसे शादी कर ले यार। क्या ये सब देखकर आपको नहीं लगता कि ये यूट्यूबर्स पैसों के लिए गलत कर रहे हैं? और आखिर ये गलती कानून के रक्षकों को दिखाई क्यों नहीं दे रही है? वो खुलेआम चाइल्ड मैरिज का कानून तोड़ने वालों को कुछ कह क्यों नहीं रहे हैं? आपका इन सारे सवालों के बारे में जो भी सोचना है नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही इन वीडियोस को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी गलती से वीडियो मिस ना कर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। गाइस ये इतना ज्यादा क्रिंज हो रखा है आजकल यूट्यूब्स में कि मैं क्या ही बोलूं। एंड ऐसे छोटे मोटे यूट्यूबर्स तो आजकल निखर कर बाहर आ रहे हैं, बस कंटेंट यही हो रहा है कि यार मुझे वो लड़की पसंद है, चलो एक काम करते हैं शादी कर लेते हैं, फिर तो फ्यूचर सेट है बॉस। अपन लोग मस्त वीडियो बनाएंगे, व्लॉगिंग करेंगे, शॉर्ट वीडियोज में थोड़ा डांस कर लेंगे, थोड़ा किसिंग विसिंग हो जाएगा वीडियोज के दौरान ही बस, और क्या बढ़ावा ऐसे ही मिल जाएगा अपने को और पैसे तो आएंगे ही यूट्यूब से। आई थिंक ये सभी चीजों पे बैन लग जाना चाहिए एंड जितने लोग देखते हैं वो लोग अगर मिलके अगर रिपोर्ट कर दे, ना कि इनको और ज्यादा इनकरेज करे बल्कि रिपोर्ट करे ना, तो जरूर से इनका ट्रेंड और इनका जो करियर जो जहां वो ये इस लाइन को वो करियर समझ रहे हैं वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन समझ कहां है भाई आजकल के लोगों को, उनको मिल रहा है देखने को वो देख रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, भाई तुम करते रहो हम अपना इंजॉयमेंट देख रहे हैं, तो ये इंटरटेनमेंट नहीं है। एंड सही बात है जहां 16-17 साल में ये लोग शादी कर ले रहे हैं, आई थिंक वो क्यूट कपल व्लॉग्स वाले जो थे उन्होंने बोला कि वो 2017 में कोर्ट मैरिज किए, 2020 में वो लोग 12th का एग्जाम दिए, मतलब 2017 में जब वो लोग शादी किए आई थिंक मे बी वो लोग 8 या 9 में होंगे, ऑब्वियसली बात है तभी ना वो लोग 2020 में वो लोग 12th दिए है, मतलब क्या है यार। सो मतलब क्या ही बोलूं। और रहा बात वो सहवाग और रिद्धि का, तो घर वाले मान गए मानती हूँ, लेकिन इतनी कम उम्र, भले वो बोल रहे हैं कि वो 18 साल और वो 21 साल का था लड़का, लेकिन देखने से तो 1% का भी नहीं लगता लड़के के शक्ल पे, दाढ़ी मूंछ के नाम पे कुछ नहीं आया कुछ भी नहीं, तो 21 साल का है वो लड़का, आई डोंट थिंक सो, मुझे तो एकदम नहीं लगता है। मुझे तो अभी लगता है कि अभी मे बी वो 18 का हुआ होगा, 16-17 में शादी हुई होगी क्योंकि डेफिनेटली देख के वैसे ही लगता है लड़की को भी एंड लड़का को भी। एंड बाकी और भी ये जो मनीषा और ये सिमल, मतलब क्या है यार, यही सब ट्रेंड आप लोग लेके आ रहे हैं एंड आने वाली जनरेशन जो है वो यही सब देख के इंस्पायर होगी, यही सब सीखेगी एंड आगे चल के वो लोग भी ऐसे ही कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे वो ऐसे जो लास्ट में जो वीडियो क्लिप्स जो एडिट थी, जो आजकल वीडियोस बना रहे हैं बच्चों को लेके, चाहे वो हो चाहे वो ये चाइल्ड मैरिज को बढ़ावा देना हो, ये हरी सभी चीज आई मीन सब गलत है एंड कानून के खिलाफ है। पता नहीं कब क्या एक्शन होगा, आई होप यूट्यूब की तरफ से ही कुछ हो जाए अगर हमारी ऑडियंस कुछ नहीं कर रही है तो। सो गाइस आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा एंड अगर आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि आप सबको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट एंड अपडेटेड नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वैसे इस वीडियो का लिंक साथ ही मेरे इंस्टाग्राम आईडी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जरूर से जाके मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले। एंड ये वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगा है तो जरूर से प्यारे प्यारे कमेंट्स करें एंड साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूले। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।